हाय, मेरा नाम है रुमाना और मेरी फिल्म आ रही है 17 फेब को, जिसका नाम है इरादा। उसमें है नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी। मेरा जो किरदार है उसका नाम है रिया वालिया। वो नसीरुद्दीन शाह की बेटी है फिल्म में। मेरा जो किरदार है वो एक स्विमर है, एक एथलीट है, और उसका सपना है कि वो जो अपने पिता का सपना है उसे पूरा करे, और वो एक प्रोफेशनल स्विमिंग चैम्पियन बनना चाहती है। तो वो बहुत ही सहमी हुई सी है, चुपचाप सी है, लेकिन वो एक दौर से गुजरती है फिल्म में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकती। बट एक्चुअली मेरा जो पहला मोटिवेशन था वो नसीर सर के साथ काम करना, और काम करने के बाद मुझे पता चला कि वो लेजेंड क्यों कहलाते हैं। और एक्चुअली वो काम करने से पहले पता नहीं था, लेकिन अपर्णा सिंह जो डायरेक्टर है वो इतनी अच्छी है कि मैं शब्दों में समझा नहीं पाऊंगी। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बट वो काम शुरू करने के बाद पता चला। बट या आई थिंक माई फर्स्ट मोटिवेशन वॉज ऑल्सो द कैरेक्टर, द रोल। द रोल इज़ रियली इंटरेस्टिंग, वंस यू सी द फिल्म यू विल फाइंड आउट। एक्चुअली मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, लेकिन एक्टिंग का मैंने शुरू में नहीं सोचा था। मैं डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी शुरू में, तो मैं डांसर ज़रूर बनना चाहती थी। एक्टिंग का शौक जो है वो शायद बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉन्ट टू एक्ट एज वेल, बट शुरू में मैं डांसर बना। नहीं, इस फिल्म में तो मैं डांस नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि एक गाने में वैसे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, अरशद वारसी के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। मेरा जितना भी काम था वो नसीर सर के साथ था, तो उनसे उनके साथ काम करने का तजुर्बा तो कुछ और ही था, क्योंकि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही गिविंग और जेनरस इंसान है। वो हर किसी के एक्टिंग को लेके कंसर्न है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। जो उनके आसपास आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो भी बेहतरीन काम करे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, जो मैंने बहुत आर्टिस्ट में नहीं देखा है, बट वो उनका एक यूनिक क्वालिटी है। और दूसरी बात है कि इतने सालों काम करने के बाद भी उनका जो एक्साइटमेंट है अपने काम के प्रति, वो बहुत ही मुझे लगा कि मैं भी यही ऐसे ही रहना चाहूँगी। जब व्हेन आई हैव एक्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबल। जब भी कुछ क्लिक होता है तो आपको उनके चेहरे पे वो खुशी दिखेगी, वो एक्साइटमेंट दिखेगी, तो वो इतने सालों के बाद, आई थिंक दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। बाप बेटी का जो रिश्ता काफी खास होता है, तो आपको अपने पिताजी की याद आई उनके साथ काम करते हुए कभी, अगर ऐसी कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें? मुझे मुझे अपने पिताजी के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और हम साथ में भी नहीं रहे हैं। तो मुझे ये जो एक्सपीरियंस है एक फादर डॉटर रिलेशनशिप का, वो इस फिल्म के थ्रू शायद एक्सपीरियंस करने को मिला पहली बार, क्योंकि वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं अपने पिताजी के साथ कभी रही नहीं हूँ, हम कभी एक घर में नहीं रहे हैं। तो हालांकि फिल्म में जो है हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन दो वी डोंट कम्युनिकेट मच, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो थ्रू दिस फिल्म आई एक्चुअली गॉट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ अ फादर डॉटर रिलेशनशिप एज वेल, विच आई हैवंट हैड इन माई लाइफ। ओके, कमिंग बैक टू फिल्म्स, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है? ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर और एनी ड्रीम डायरेक्टर और एक्टर यू वांट टू वर्क विद? जॉनरा तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, बिकॉज मैं हर जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। आई थिंक दैट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर, यू शुड बी एबल टू डू एवरी थिंग। एज फार एज डायरेक्टर्स गो, देर आर सो मैनी, आई मीन देर इज टैलेंट एवरीवेयर, देर आर सो मैनी डायरेक्टर्स दैट आई वुड लव टू वर्क विद। आई वुड लव टू वर्क विद अपर्णा सिंह अगेन, दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई डिडंट रियलाइज हाउ अमेजिंग इट वुड बी। सो नाउ आई नो एंड आई वुड गो इन एक्साइटेड एंड प्रिपेयर टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। देर आर अ लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स आई रियली लाइक, शुजीत सरकार, गौरी शिंदे,
जोया अख्तर. एंड एज फार एज एक्टर्स गो देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग एक्टर्स. देर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी. आमिर खान इज़ एवरीबडीज ड्रीम, सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू और डिफरेंट. आई रियली लाइक विद्या बालन फॉर सम रीजन. नो एक्चुअली दैट्स द थिंग. येस देर इज़ अ फनी मोमेंट विच वॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. So the first time I met him, I was in my head, I had that image that he might be intimidating or strict. So he said hello and I said thank you. I don't know why I said thank you, because a normal person, when somebody says hello to you, you say hello. So that was actually funny, and I was hoping in my heart that he didn't hear me. I wouldn't say that he's strict. I really feel that that is a misconception. I think he's warm, he's giving, he is effusive. वो कभी भी जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने से अपने आप को नहीं रोकते हैं, और जो बुरा है वो उसको बुरा ही बोलेंगे. तो ये मुझे बहुत ही नॉर्मल लगता है. आई डोंट थिंक दैट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद कॉलिंग ए स्पेड अ स्पेड. Any upcoming project you want to share with us? Well, I'm actually looking forward to the release of this film, and afterwards